हापुड़ के थोलाना थाना इलाके के ऊपरी गंग नहर की पटरी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वही बदमाश पर जनपद हापुड़, गाजियाबाद आदि समेत आसपास के जिलों में कई अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी जांच की जा रही है। क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा ने बताया कि देर रात को देहरा की झाल पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार युवक को रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका। पीछा किया जाने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए ऊपरी गंग नहर की पटरी से ग्राम निंधावली की तरफ भागने का प्रयास किया। इसी बीच वायरलेस पर सूचना प्रसारित होने के बाद पुलिस ने ऊपरी गंग नहर की पटरी पर बदमाशों को दोनों तरफ से घेर लिया। बदमाशों ने अपने बचाव के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान देहरा के सुबोध के रूप में हुई है, जबकि एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जिसकी पहचान के प्रयास चल रहे हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए भर्ती कराया है। बता दें कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर विभिन्न थानों में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ने बदमाश के पास से एक बाइक, एक तमंचा, एक कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ी गई बाइक का इस्तेमाल कई आपराधिक वारदातों में किया गया है। आज दिनांक 27 फरवरी को रात्रि करीब 11:30 बजे दौलाना पुलिस द्वारा देहरा झाल पर चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध अभियुक्त को रोकने पर वह रुका नहीं और निधावली नहर पटरी की तरफ भागने लगा और पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में अपना नाम सुबोध पुत्र राम गोपाल निवासी देहरा का बताया गया है, जिसके ऊपर कई मुकदमे चोरी, लूट इत्यादि के पंजीकृत हैं। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल रवाना किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।